हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स अकेडमी। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास टेंथ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। देखो, जैसा कि बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं अभी बताने वाला हूँ। मुझे लगातार कमेंट मिल रहे हैं कि सर इसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ठीक, मैंने जरूर लिखा जरूर है 30 में से 30 पक्का यहीं से आएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो ऐसा बोलने में आता है, इसका मतलब यहाँ ये है, इसमें थोड़ा सा अंडरस्टूड रहता है कि जो मैं आपको दे रहा हूँ उसी टाइप का आएगा या उसी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जिनको पूरा का पूरा तैयार करना है मैटर, तो आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने होंगे। आई बात समझ में बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही होगा, 30 में से 30 लेके आना है। तो ये मैं आपको जो दे रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ मैं आपको, है ना बच्चों। तो कुछ चीज़ें क्या अंडरस्टूड होती हैं वो आपको समझनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 में से 30 पक्का यही आएगा का मतलब जो मैं दे रहा हूँ उसमें से आएगा, इस टॉपिक में से आएगा या इस तरीके की ओटी आएंगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके बच्चों, ये बात समझ में आई अच्छे से आपको? चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें टेंथ साइंस के बहुत से बच्चे कह रहे थे, ठीक है, और बाद में आपको कुछ सैंपल पेपर दे दिए जाएंगे, उनको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, तो टेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास के और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन, ठीक है, पीडीएफ डली हुई है, और आप चाहो तो इनको परचेज भी कर सकते हो 100 रुपीज़ में, ठीक है ना। इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। किसमें दी गई है बच्चों? डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो वीडियो है, मैं सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसके आंसर भी आपको दिए गए हैं नीचे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हो। ओके बच्चों, आया समझ में ना? देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दी गए ना, ये मैं जो आपको ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं। ये कैसे हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगर आपको इनको अच्छे से करना है तो आपको इनके क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा, ठीक है ना। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अब वो क्या रहता है वाटर में, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2:1 होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दिया है अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो क्या होता है इंडाइजेशन, जानते हो आप बच्चों? बताइए क्या होता है? एंटासिड होता है, जैसे आपका इनो आता है, इनो जब एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो लेते हैं, तो इनो क्या है, एक एंटासिड है। कौन सा बच्चों? एंटासिड है। इसके बाद द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज नॉन एज, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, आपको जैसा कि पता होगा, क्या कहते हैं इसको, डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। द लंग्स आर सिचुएटेड इन, तो लंग्स कहाँ होते हैं अपनी बॉडी में बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब लंग्स कहाँ होते हैं, ये लंग्स लिवर कहाँ होते हैं, ये सब आपको याद करना होगा। इस टाइप की ही आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लंग्स कहाँ होते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम थोरोकिक कैविटी। ओके बच्चों, कहो, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, थोरिक कैविटी में होती हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, अच्छा तो इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है, सबको पता है साइटोकिनिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है ना। द एंथर कंटेंस, जो एंथर होता है ना, एंथर उसके अंदर क्या होता है, एंथर कंटेंस किसके अंदर होता है एंथर, ये आपको अच्छे से बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। किसके अंदर होता है एंथर, पोलन ग्रेन्स ये होता है ना, ये वाला, ये जो आप बनाते हो इसके अंदर एंथर होता है। ओके, तो ये सब आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, जिसके मैंने आंसर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गए हैं, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ के नीचे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नीचे दी गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ परचेज करनी है सभी सब्जेक्ट की, टेंथ क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम भी, तो उसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है आपको, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं अब आपको सिलेक्ट करता जाता हूँ और आप ध्यान से करते जाइए। तो मैंने ये पहला सिलेक्ट करता हूँ आपको, ये जैसे कि दिख रहा है आपको, ये इसके, ये बच्चों ये इसके आंसर्स हैं, ओके सबके,
दिख रहे हैं आपको बच्चों? ओके चलिए नेक्स्ट बढ़े हैं अपन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अगले बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको दिए गए हैं, इनको आपको करना है अच्छे से। ओके ना बच्चों? इसके बाद फोर्थ ये दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ठीक है ना, इनको आपको बहुत अच्छे से करना होगा। ओके चलिए, इसके आंसर्स दिए गए इनको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट इनको करना है, नंबर्स ये दिया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बच्चों इसके आंसर्स हैं। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम इस पर। ये दिया है Fe2O3 प्लस 2Al Al2, ये क्या होती, कौन सी रिएक्शन होती है आपको पता होना चाहिए। बस जिसने इसको क्या कर दिया बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ओके द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग होती है कोरोजन पे। तो ये सब आपको ऐसे याद पढ़ना है, याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप और करना चाहो, पूरे के पूरे लेना चाहो, तो बच्चों आप ध्यान रखिए, आपके पास परिच्छेदन, परीक्षा बोध या जो भी आप यूज कर रहे हो उसके सभी चैप्टर के एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। ये मैं आपको जो दे रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ओके ये बात अच्छे से समझ लीजिए, और आप जो क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं ना, उनमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे ज़्यादातर। तो ये दिया है आपको छठवा और सातवा, ठीक है, इसको आप, इसके आंसर दिए गए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े हैं अपन, अब आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं आपको एक ही वीडियो में आपको दे देता हूँ पूरा सब कुछ। ये इसके आंसर दिए गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्लियरली दे दिया है मैंने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी मैंने भी बहुत अच्छी रखी है, इसलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसके बाद ये ले लीजिए, ठीक है बच्चों, ये चार सेट आने वाले हैं, आपको पता है चल गया ना आपको, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, चार सेट आने वाले आपके MP बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। चार सेट मतलब उसमें ज़्यादातर ये होगा कि, अभी पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में आपको, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चार सेट आएंगे वो अलग अलग क्वेश्चन होंगे उनमें, कि सेम क्वेश्चन होंगे और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है ना, ये हो सकता है। अब आते हैं आपकी जो वन वर्ड, एक से लेकर चार दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार ये दिए गए, उनके आंसर दिए गए हैं आपको नीचे, ठीक है ना, वन वर्ड के। नेक्स्ट बात करें, वन वर्ड ये दिए गए हैं, इनके आंसर दिए गए, इनको आप नोट कर लीजिए। चाहे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, चलिए ऐसे ही बना रहने दीजिए। ये वन वर्ड दिए गए हैं पाँच आपको, इनको आपको पढ़ना है, और ये नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं। ओके ना बच्चों? जैसे अपना ये सेकंड वाला है, देखो ये दिया है ना बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स सर्कुलेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, तो कितने टाइम पे होता है बच्चों, डबल टाइम पे होता है, ठीक है ना, मतलब डबल टाइम मतलब दो बार होता है, टू टाइम्स। तो राइट द आंसर इन वन वर्ड, ये दिए गए आपको छः, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इनके आंसर्स दिए गए हैं, इनको आप कर लीजिए। ओके ना बच्चों? तो सिंपल ही आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आएगा, बेसिक्स न्यूमेरिकल साइंस, सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं, वो बेसिक्स आपके वो आएंगे, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस। तो ये आप कर लीजिए इनको अच्छे से। और ये है आपका मैच द फॉलोविंग्स, ये दी गए हैं, मैचिंग दी गई है, इनके आंसर्स दिए गए हैं आपको नीचे, जैसा कि दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप चाहो तो अपनी इमेज क्वालिटी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर जाकर आई बटन आ रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो वीडियो की, जिससे कि आपको क्लियर इमेज आ सके आपकी, ठीक है। एक ये क्वेश्चंस है, इनको आप ले सकते हैं। ओके तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी इंपॉर्टेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और लाइक कमेंट और शेयर कर देना बच्चों। ओके धन्यवाद।